देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत में लेने के बाद राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने जेल से ही सरकार चलाने का ऐलान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर पहुंचकर भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना दिया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी, डॉक्टर हर्षवर्धन के अलावा विधायक निगम पार्षद सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना दिया। बंद है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जेल में से ही सरकार चलाएं। मैं अरविंद केजरीवाल को बताना चाहता हूं कि इस देश में कानून और संविधान की कुछ व्याख्याएं हैं जिसका सबको पालन करना पड़ता है। अगर आप में नैतिकता नाम की कोई चीज़ है तो आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जेल से सरकारें नहीं चला करती, जेल से तो गैंग चला करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस्तीफा दें और तुरंत इस्तीफा दें। जैसे कि आज बराबर आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार। शाम को देखिए चोर मचाए शोर, यह आम आदमी पार्टी की रणनीति है। जो जितना बड़ा चोर होता है उसके लिए उतना बड़ा शोर मचाया जाता है वहाँ पर। लेकिन सत्य ये है कि मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली, संजय सिंह को जमानत नहीं मिली, सतेंद्र जैन को जमानत नहीं मिली और केजरीवाल हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद गिरफ्तार किए गए हैं। तो न्यायालय के सामने उनके अपराध हैं, उनकी चोरी है, उनके सबूत हैं और इसीलिए एक एक करके वो लोग जेल जा रहे हैं। देखिए आचार संहिता में कहीं लिखा है कि चोर नहीं पकड़े जाएंगे, लुटेरे नहीं पकड़े जाएंगे, जेब कतरे नहीं पकड़े जाएंगे? आचार संहिता में ये कहीं लिखा है क्या? अरविंद केजरीवाल राजनीतिक मामले में जेल नहीं जा रहे, चोरी के मामले में जेल जा रहे हैं, आपराधिक मामले में जेल जा रहे हैं। और आचार संहिता तक इस मामले को लेकर कौन आया? खुद केजरीवाल। ईडी का पहला सम्मन एक साल पहले आया था, वो चले जाते तो यहाँ तक बात नहीं आती। उन्होंने इसको डिले किया और लोकसभा चुनाव तक लेके आए, और लोकसभा में आम आदमी पार्टी केवल 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वो कोई गंभीर प्लेयर नहीं है लोकसभा चुनाव के। लेकिन परसों जब अरविंद लवली जब आए वहाँ पर गिरफ्तार, उन्होंने कहा था कि हम गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे, लेकिन हम सवाल उठा रहे हैं टाइमिंग पर। तो टाइमिंग तो केजरीवाल ने खुद लाई ना यहाँ तक, पहले सम्मन पे चले जाते तो यहाँ तक टाइमिंग आती नहीं। कुल मिलाकर सत्य ये है कि केजरीवाल की राजनीति का ये आखिरी अध्याय लिखा जा रहा है, और केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के सीखचों के पीछे ही होगा। न्यूज़ के जैसा कि अभी यहाँ पर धरना चल रहा था और हमारे साथ हैं गौतम जी, उत्तर पश्चिम जिला से जिलाध्यक्ष हैं। गौतम जी बताएं कि आज जो ये सारे कार्यक्रम चला है तो क्या इसका असर केजरीवाल के ऊपर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा, और हमारी जिद है कि केजरीवाल का इस्तीफा लेकर रहेंगे। जिस प्रकार से केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है, वायदे कुछ किए थे पर भ्रष्टाचार कुछ किया है, कितने मंत्री उसके आज जेल के अंदर, तीन पहले थे, चौथा स्वयं चला गया, एक बार सीप खेलने के लिए चार आदमियों की आवश्यकता, चारों इकट्ठे हो गए। और भ्रष्टाचार की सीमा होती है, किसने कहा विजय नायर को, किसने कहा के कविता को मिलाने के लिए, इसका कौन जिम्मेवार है? इसका जिम्मेवार है तो स्वयं केजरीवाल, और जैसा उसने किया वैसा भुगतना पड़ेगा। आज उनकी पत्नी सुनीता जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया, गंभीर आरोप लगाए भाजपा पर। आरोप लगाए तो उसने उस दिन क्यों नहीं कहा जब उसके घर में पैसे आ रहे थे? जब उसने राजनीति शुरू की तो उसने कहा था बच्चों की कसम खाकर मैं मकान नहीं लूँगा, तो जब उसने मकान लिया तो उसकी पत्नी ने क्यों नहीं कहा? पत्नी जब धर्म पत्नी होती है, धर्म का शब्द क्या है? भारत जो है संस्कृति का देश है और धर्म से बंधा हुआ देश है, तो उसने धर्म का पालन क्यों नहीं किया? कोई भी पत्नी जब उसके घर में भ्रष्टाचार का पैसा आता तो क्या उसको पता नहीं लगता? ये देखिए वैसे बहुत बेशरम लोग हैं और आरंभ से ही ये भेड़िए के रूप में काम करते रहे एक शरीफ आदमी के, अब इनका नकाब उतर चुका है। नकाब उतरने के बाद भी ये इस्तीफा नहीं देंगे, इनका इस्तीफा लेना ही पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो कि पिछले 2 साल से लगातार संघर्ष कर रहा है और अब सारी मनी की ट्रेल और हर तरह से ये
एक्सपोज हो चुके हैं, अब इनको हम जेल से बाहर नहीं आने देंगे। अत्याचार किए, जो अपराध किए, उसका तो सत्यापन माननीय सुप्रीम माननीय हाई कोर्ट ने कर दिया। वो खुद ही हाई कोर्ट गए थे गिरफ्तारी पे रोक लगाने, लेकिन हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पे रोक लगाने से इनकार किया। और साथ ही हाई कोर्ट की टिप्पणी जो आई है कि इतने सारे प्रूव होने के बाद अब तक ये आदमी जेल से बाहर क्यों घूम रहा है, हाई कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद इस दिल्ली के जिस भी लोगों को पता चल रहा है, मीडिया को पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है, हम आप सोच सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बहुत भारी और बहुत इम्पोर्टेंट प्रूफ्स हैं। और अब अरविंद केजरीवाल आज जो कह रहे हैं, हम जनता के साथ खड़े हैं या खड़े थे, महिलाओं के बेटे हैं, बहनों के बेटे हैं, कहाँ थे जब ये बहनें शराब की दुकान खोलने के लिए मना कर रही थी, रो रही थी, कहाँ थे जब इन बहनों के पेंशन नहीं बन रहे थे, माताओं के कहाँ थे जब इन बहनों के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, कहाँ थे जब इन बहनों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आई है, आज सुनीता जी का भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, आदरणीय सुनीता केजरीवाल जी, क्या अरविंद केजरीवाल जी का शपथ आपको याद नहीं था कि हम बच्चों की कसम खाते हैं कि किसी दूसरी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। जब आप राजमहल में जा रही थी तो क्या आपके अंदर वो मानस नहीं था जो अपने पति को रोकती और कहती कि नहीं, आपने बच्चों की कसम खाई है, हमारे बच्चों को नुकसान होगा। उस दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती थी जब नोटों के बंडल, बड़े बड़े गठरियां आपके उसी राजमहल में आ रहे थे, उस दिन आपने एक बार नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी ने आपके पति को जेल में नहीं डाला है, आदरणीय सुनीता जी, आपके पति को आप उनके कर्मों ने, उनके भ्रष्टाचार ने जेल में डाला है। और आप एक अच्छी पत्नी के रूप में उनको समय पे समझा सकती थी, लेकिन क्या आपने उस दिन किसी को कुछ कहा, उनको रोका, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? अब आज सुनीता जी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि जितनी नफरत इस समय अरविंद केजरीवाल से है, उसी घर में हो रहे भ्रष्टाचार को देखती रही आप, आपसे सहानुभूति दिल्ली की नहीं हो सकती। सर, इंडिया अलायंस कल चुनाव आयोग पहुंचा था गिरफ्तारी। थैंक यू सर।